हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पोकेमोनिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 कूलेस्ट फायर टाइप पोकेमोन के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं पोकेमोनिया। लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले ही मैं बता दूं, ये वीडियो मेरे ओपिनियन से बना है और इससे आपको हर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप भी चाहे तो ऐसे ही वीडियोस बना सकते हैं। नंबर 10, वोल्केनियन। वोल्केनियन एक मिथिकल पोकेमोन है जो कि पहाड़ों पर रहता है या फिर ऐसी जगह पर रहता है जहां पर अभी तक इंसानों पहुंचे नहीं है। वोल्केनियन हमें जनरेशन 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था और वो अपनी स्टीम पावर का इस्तेमाल करता है खुद को बचाने और दूसरों पर हमला करने के लिए। वोल्केनियन एक ड्यूअल टाइप पोकेमोन है और वो फायर और वाटर टाइप पोकेमोन है जो कि उसे 10 नंबर पे लाता है टॉप 10 कूलेस्ट फायर टाइप पोकेमोन में। नंबर 9, सिंड्रिल्स। सिंड्रिल्स एक फुटबॉल खेलने वाला रैबिट है जो कि हमें इंट्रोड्यूस किया गया था जनरेशन 8 में। सिंड्रिल्स का एक स्पेशल एबिलिटी है जिसका नाम है लिबेरो, और उस एबिलिटी की मदद से वो जो भी मूव यूज कर रहा है वो उसी मूव के टाइप का बन जाता है। पर असली मजा आता है जब सिंड्रेस जाइगेंटमैक्स फॉर्म में जाता है। जब सिंड्रेस जाइगेंटमैक्स फॉर्म में जाता है तो वो एक बहुत ही बड़े फायरवॉल के ऊपर खड़ा रहता है, और वो फायरवॉल लगभग 300 फीट के साइज का है, और इसी की वजह से सिंड्रेस को मैंने नंबर 9 पर रखा है। नंबर 8, टोर्नेडो। हमें जब भी पोकेमोन एनिमे में कोई भी फायर टाइप पोकेमोन दिखाया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है अपने स्पेशल अटैक्स या फिर अपने फिजिकल अटैक्स में, पर वो थोड़े थोड़े वीक होते हैं। पर टोर्नेडो इससे अलग है। टोर्नेडो हमें जनरेशन 7 में दिखाया गया था और उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कांटे का सेल है जिसकी वजह से वो अपना सिग्नेचर मूव यूज कर सकता है, और जो कि है सेल ट्रैप। जब भी उसका अपोनेंट कोई भी मूव यूज करता है और उसके बाद वाले मूव में टोर्नेडो अगर सेल ट्रैप मूव यूज करता है तो टोर्नेडो उसके अपोनेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, जिसकी वजह से मैंने इसको नंबर 8 पर रखा है। नंबर 7, आर्केनाइन। आर्केनाइन हमें जनरेशन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था और वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट पोकेमोन में से एक था। पहले के ज़माने में आर्केनाइन को एक लेजेंडरी या फिर एक सुडो लेजेंडरी पोकेमोन की तरह मानते थे, क्योंकि जब हमें एपिसोड 2 दिखा था तब उसमें पोकेमोन सेंटर में द लेजेंडरी वर्ड्स के साइड में आर्केनाइन दिखाया गया था। पर आर्केनाइन एक लेजेंडरी या सुडो लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो कूल नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल पोकेमोन है और वो मुकाबले में भी काफ़ी अच्छा है, इसीलिए ऑफिसर जेनी ग्राउलेट को यूज करते हैं क्योंकि ग्राउलेट इवॉल्व होकर आर्केनाइन में होता है। नंबर 6, चार्जर्ड। चार्जर्ड एक बहुत ही पॉपुलर पोकेमोन है जो कि हमें जनरेशन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था। चार्जर्ड एक डुअल टाइप फायर और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, और ये पोकेमोन इंट्रोड्यूस कराने के बाद अभी तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और उसका एक कारण ये है कि एस के पास भी एक चार्जर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि चार्जर रॉक टाइप पोकेमोन से बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, पर फिर भी इस पोकेमोन की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। और चार्जर के पास एक और चीज़ है, और वो है मेगा एवोल्यूशन और जाइगेंटमैक्स फॉर्म। ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल फॉर्म्स है चार्जर का, और इसीलिए मैंने इसे नंबर 6 पर रखा है। नंबर 5, इन्फर्नेफ। इन्फर्नेफ एक बंदर पोकेमोन है जो कि हमें इंट्रोड्यूस किया गया था जनरेशन 4 में, और ये जनरेशन 4 का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन में से एक माना जाता है। और उसका एक रीजन ये है कि एस के पास भी एक इन्फर्नेफ है जो अगर उसका ब्लेज एबिलिटी अनलॉक कर देता है तो उसके सामने जो भी पोकेमोन हो उसे घुटने टेकने पड़ते हैं, और उसी ब्लेज एबिलिटी को देखते हुए मैंने इस पोकेमोन को नंबर 5 पर रखा है। नंबर 4, एंटे। एंटे एक लेजेंडरी पोकेमोन है जो कि हमें इंट्रोड्यूस किया गया था जनरेशन 2 में, और ऐसा माना जाता है कि जब भी एक नया वोल्केनियन दिखाई पड़ता है तभी एंटी पोकेमोन वहाँ पर जन्म ले लेता है। और इसका आग मोल्टेन मैग्मा से भी ज़्यादा गर्म होता है, और ये जब भी रोर मूव यूज करता है तो दुनिया में कहीं ना कहीं पर वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है। और एंटी के पास एक हिडन एबिलिटी है जिसका नाम है इनर फोकस, और उस इनर फोकस एबिलिटी की मदद से एंटे कभी भी फ्लिंच्ड नहीं होगा। और जिसको पता नहीं मैं बता दूँ, फ्लिंच्ड एक स्टेटस प्रॉब्लम है जैसे कि
पैरालाइज। और जब किसी पोकेमोन को फ्रीज्ड हो जाता है तो वो एक टर्न के लिए अपना मूव यूज नहीं कर पाएगा, पर एंटे का इनर फोकस एबिलिटी उससे बचाता है और उसी एबिलिटी की वजह से मैंने इसे नंबर 4 पर रखा है। नंबर 3, हो-ओ। हो-ओ एक रेनबो पोकेमोन है जो कि हमें दिखाया गया था जनरेशन 1 में, और स्क्वेटल, बल्बसोर, पिकाचू और चार्मेंडर के अलावा ये पहला पोकेमोन था जो कि हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान या पोकेमोन हो-ओ को देखता है उसे अनंत खुशी की वरदान मिलता है, और ओ के पास ऐसा एबिलिटी है जिसकी वजह से वो किसी भी मरा हुआ चीज को जिंदा कर सकता है। और हो-ओ ऐसा एक पोकेमोन है जो म्यूटू से ज़्यादा पावरफुल है, और इसके पावर और एबिलिटी को देखते हुए मैंने इसे नंबर 3 पर रखा है। नंबर 2, बेनेसेफिलॉन। बेनेसेफिलॉन एक अल्ट्रा बीस्ट है जो कि हमें इंट्रोड्यूस किया गया था जनरेशन 7 में। जब डिजाइनर्स ने इस पोकेमोन को डिजाइन कर रहे थे वो सब एक पिंग पोंग बॉल से बेनेसेफिलॉन का सिर का इंस्पिरेशन लिया था, और बेनेसेफिलॉन अपना सिर को फायर ट्रैकर की तरह इस्तेमाल करता है और फिर दूसरों पोकेमोन और इंसान की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना बना लेता है। बेनेसेफिलॉन एक ड्यूअल टाइपिंग पोकेमोन है और वो फायर और घोस्ट टाइप पोकेमोन है, और उसके टाइपिंग और एबिलिटी को देखते हुए मैंने इसे नंबर 2 पर रखा है। नंबर 1, रेजिराम। रेजिराम एक लेजेंडरी पोकेमोन है जो कि हमें इंट्रोड्यूस किया गया था जनरेशन 5 में। पहले रेजिराम और जेक्रम एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन थे जो कि एक दो भाइयों के पोकेमोन थे, पर जब से उन दोनों भाइयों में अलग अलग भावनाएं आने लगे तब से वो बड़ा ड्रैगन भी दो पोकेमोन में डिवाइड हो गया था, और एक आइडियल्स को बिलीव करता था जो कि था जेक्रम, और दूसरा ट्रूथ को बिलीव करता था जो कि था रेजिराम। रेजिराम एक ड्यूअल टाइपिंग पोकेमोन है और वो एक ड्रैगन प्लस फायर टाइप पोकेमोन है, और जब भी वो उड़ता है वो अपनी पूंछ से आग निकालता है जेंट्रो की तरह, और उसके ड्यूअल टाइपिंग और उसके पास्ट को देख के मैंने इस पोकेमोन को नंबर 1 पे रखा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और मैं अपने अगली वीडियो में पोकेमोन जर्नीस को कुछ अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। टिल देन बाय।